राम राम साम। पहले तो मैं अनुभव जी का और मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने नारायणी में मुझे बुलाया। पर मेरी आपसे एक शिकायत है सबका वेलकम करने से पहले कि सब लोग बहुत नींदों में क्यों। अनुभव जी ने ठंडा पानी तो सब पिलाया है, देखो कोल्ड ड्रिंक बराबर पिला रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो अब थोड़ी नींद खोलो, भाषण भारी हो गया लगता है, तो भाषणों में नींद आने लग जाती है, ऊपर से खाने का टाइम हो गया है और हमारा यहाँ बंद नहीं हो रहा है बहनों का क्या कहते हैं वोट का अपील करना। तो अब आपकी नींद जगाते हैं, सब लोग मेरे साथ नारा लगा, कांग्रेस पार्टी, थोड़ा जोर से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नींद खुली, थोड़ी सी नींद खोलो भाई, ऐसे कैसे आपके क्षेत्र से वैभव जी आ रहे हैं, आप ऐसे नींद में मत रहो, यूं नहीं कि नींद में रह जाए खरगोश की तरह और कछुआ आगे निकल जाए। कहानी सुनिए ना, तो हम नींद में नहीं रह सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेज पे जितने मंचासीन है, संजय जी कछावा वार्ड अध्यक्ष, मयंक जी देवड़ा पूर्व पार्षद, श्रीमती श्यामा देवी गहलोत पार्षद, ओम कंवर कछावा, कुंती देवी जी परियार, गीता बड़बड़ जी, शैलजा परियार, दिव्या गहलोत, भावना भाटी, गीता पवार, मीनाक्षी सैनी जयपुर से, जिनको हम प्रेम से मीनू जी बोलते हैं, सही है ना, निर्मल कछावा, वीणा कछावा जी, मेरी भाभी साहब अनुजा गहलोत और मेरे बड़े भाई बुजुर्ग भाई बहनों भाभियां, आप सबकी तो बहू लगती हूँ मैं, क्योंकि आपके बेटा समान है वैभव जी और अशोक गहलोत जी आपके भाई लगते हैं, यहाँ से तो मैं तो आपकी बहू हो गई। तो आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे वैभव जी पे मेरे पे, यही आपसे मेरी मनोकामना है। और प्यारी सी हमारी वर्णिया जी ने जो इतना अच्छा भाषण दिया, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कि इतना बढ़िया बोला है बच्चे ने, ऐसे चार पांच बच्चे हर कॉलोनी से तैयार करो, झंडे लो और वहां पे कैंपेन करो, हमको जरूरत है इस चीज की बहुत। आप ये मत सोचो कि अशोक गहलोत जी का एरिया है हमेशा जीतते, अभी भी जीत जाएगा, ऐसे ही बात है ना, ये नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग बहुत अटैक मूड में है। आपने देखा होगा कि वो लोग जो बोलते हैं तो इज्जत का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, बोलते हैं तो कार्टून देखो आप उनके, एक बार देख के मेरे को हंसी आ जाती है। तो आप इन चीजों को समझिए, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं और इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए है उस जगह के विकास की, हमें किन चीजों की जरूरत है, आपको चार कार्टून देख करके एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है, टीवी कम पड़ रहा है क्या, नहीं ना, आपको पानी चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए, रोड़े चाहिए, ये एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इन चीजों पे मुद्दा होना चाहिए। जो आज जो हमारी भाजपा सरकार है वो कुछ अलग ही दिशा में जाकर के लोगों को एंटरटेन कर रही है। आपको तो ये बोलना चाहिए नारे लगाने से पहले, जो लोग दूसरे लगाते हैं, कि आप चीजों को बोलिए, आप क्या करवा सकते हो। खाली बोल दिया मोदी जी ने 15 लाख बैंक में दे दो, मैं तो खुद इंतजार कर रही है थोड़ा, बैंक में रुपया आ जाता, आया ही नहीं, 15,000 ही दे देते जी आप, 15 रुपए कोई देता है ना याद रखते हैं, देते हैं, सही बात, अपन किसी के घर जाते हैं जोधपुर में पग छूते हैं अपन रुपए मिलते हैं, याद रखता है वो 15 रुपया भी, 15 लाख तो पता नहीं क्या होता, 15,000 ही दे देते। तो अब आप ऐसी चीजें से आप नहीं जीत सकते हो। अशोक गहलोत जी के बारे में मैं जोधपुर के लोगों को क्या बताऊं, वो बोलेंगे कि इधर आओ मैं बताती हूँ क्या क्या तुम्हारे ससुर जी ने किया। तो उन लोगों ने, अशोक गहलोत जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया जोधपुर को, मैं तो घर में देखती हूँ 4 घंटा सोते हैं वो भी शायद सोचते होंगे कि क्या करूं, सपने में भी आता होगा सुबह क्या करना है, चैन से मैंने उनको देखा नहीं है, मेरी शादी को आज 14 साल हो गए हैं, कि सोना किसे कहते हैं, आराम से खाना किसे कहते हैं, और यही संस्कार वैभव जी में है। अनुजा दीदी और ये बता रही थी कि जब छोटे से थे वैभव जी तो ये लोग टीम बना करके दो वो क्या झंडे लेकर के और कॉलोनी में मां मंदिरों की गलियों में नारे लगाते थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ऐसे करके। तो आज मी नंदानंद भाई साहब सबके साथ में घूमी तो वही यादें ताजा हुई। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिन गलियों में वैभव जी के लिए ये लोग, वैभव जी खुद पापा के लिए नारे लगाते थे, आज उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। और मैं आज मेरे ससुराल आई हूँ, जोधपुर तो पूरा ही मेरा ससुराल हो गया जी। तो आपको विकास के मुद्दे पे, और जोधपुर में विकास की कोई कमी नहीं रखी, मुझे यहाँ पता चला कि चैनपुरा में एक कॉलेज खोली गई थी जिसको पापा लेकर के आए थे,
पर वो कॉलेज एमएलए साहिबा सूरसागर की अपने एरिया में उधर लेके चली गई, चलती हुई बंद करवा दी। मैं कहूँ कि राजनीति के नाम पे शिक्षा के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप एक कॉलेज लाए थे, आप चार ले आते। आप कहते कि भाई यहाँ भी जरूरत है, सूरसागर में भी जरूरत है, मंडोर में भी जरूरत है, भगत की गोटी उधर भी जरूरत है, आप एक को हिलाते क्यों? और ले आओ ना, आप भी ले आओ, हम भी ले आते हैं। बच्चों के नाम पे ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की राजनीति करने का आपको ध्यान है कि अपनी आदत में नहीं है। अशोक जी ऐसे नहीं है, इसलिए उन्हें कहते हैं गांधी जी है, सबका भला चाहते हैं। जो उनके अगेंस्ट होते हैं उनको तो ज्यादा प्यार से उनका ज्यादा काम करवाते होंगे। जो उनके खुद के है घरवाले, उनका शायद ध्यान नहीं रखते होंगे वो कि ये तुम्हारे घर लाई है, मैं तो दूसरों का और ज्यादा करते हैं वो। दिल्ली में वैभव जी को अगर आप भिजवाते हैं, कल आपने देखा होगा कि अशोक जी ने कितना चुनाव प्रचार किया, अंदर सिटी में टैक्सी से गए थे और सब लोगों को एक ही लाइन बोली कि कड़ी से कड़ी जोड़नी है। यहाँ बात अब कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की बिल्कुल नहीं है। कड़ी से कड़ी जब हम जोड़ते हैं, या ये कहो कि लकड़ियां देखिए आपने तीलियां एक साथ जोड़ दो तो आप तोड़ नहीं सकते हो, और एक तीली को आप आराम से तोड़ सकते हो। जब आप कड़ी से कड़ी को जोड़ते हो तो आपके काम आसानी से होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इस पार्टी को दो, आप उस पार्टी को दो। आप ये देखो कि किस कड़ी को जोड़ने से आपकी कड़ियां मजबूत होती हैं। आपके यहाँ पे राजस्थान में सरकार बन चुकी है, जोधपुर का तो एक एक आदमी मुख्यमंत्री है जी, मेरी नजर में हर आदमी मुख्यमंत्री बन के ही घूमता है। जोधपुर से जब गाड़ी जाती है जयपुर के उस तरफ तो RJ19 दिखता है, साहब मुख्यमंत्री जी की गाड़ी आई है। सही बात है या नहीं है? जोधपुर से बाहर निकलते RJ19 मतलब मुख्यमंत्री जी की गाड़ी है। RJ19 पहचान है जोधपुर वालों की, उस पहचान को बरकरार रखना है। ये वो कड़ी है जो कड़ी से कड़ी आज अशोक गहलोत जी के साथ अगर आपने उनके बेटे की कड़ी जोड़ी तो जो अशोक गहलोत जी राजस्थान में जो काम करवा कर पा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जो दिल्ली से ला सकते हैं वो उनका बेटा लाएगा। क्योंकि कई चीजें हम दिल्ली से लाएंगे, हम राजस्थान सरकार हमें नहीं दे सकती है। आपने ध्यान होगा कि MP साहब जो थे बने थे पापा, तो जोधपुर में रोड़े आई थी, जोधपुर में ट्रेनें आई, वो ही पानी लेकर के आए थे। इंदिरा गांधी नहर योजना, ध्यान है आपको, आज अपने जो पानी आ रहा नहीं था वो पानी इंदिरा गांधी परियोजना जो था वो पापा उस टाइम पे लेकर के आए थे। तो ये सब चीजें जब आपका खुद का सांसद होता है वो ही इन चीजों के अप्रूवल दिलवा पाता है। तो जितना हुआ, अब वक्त के साथ बच्चे भी थोड़ा मोबाइल पे आ गए, आप लोगों की जनरेशन का काम चल गया था, तो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है अब हमारे जोधपुर को, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नाम है वैभव गहलोत। तो आप ध्यान रखिएगा कि वक्त के साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, वक्त के साथ विकास के साथ की जरूरत है, वो अशोक गहलोत जी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी वैभव गहलोत है, जो जोधपुर की जितनी जरूरतें और मॉडर्न के हिसाब से चाहिए है उनकी जरूरतों को वो पूरा करेंगे। क्योंकि मैं ये कहूँ कि यहाँ जरूरतें और है, ये कम होगा अशोक गहलोत जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, और इसको और मॉडर्न बनाने के लिए वैभव जी की जरूरत है। और हर चीज में वैभवशालिता दिखे, इसलिए वैभव हर जगह होना चाहिए है। तभी हम वैभव लक्ष्मी माँ व्रत करते हैं, याद है? तो वैभव लक्ष्मी माँ की जरूरत है इसलिए कि हर चीज में निपुणता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, सबकी जरूरतें पूरी हो, ये होता है वैभवशाली व्रत जो हम लक्ष्मी माँ का करते हैं। तो हमारे जोधपुर को वैभव जी की जरूरत है, और यहाँ पे किसी पार्टी का किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये जो इलेक्शन जोधपुर का इलेक्शन जितना कहते हैं न्यूज़पेपर में आ रहा है सुपर हॉट सीट है, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी कड़ी है अशोक गहलोत नाम की, और एक कड़ी आप जोधपुर में और जोड़ने जा रहे हो, और वो जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना दूसरे लोगों की जीत हो जाएगी। अशोक गहलोत जी तो आपको देख के चले गए, आज जब जोधपुर से अभी चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास 25 सीटों की जिम्मेदारी है, उन्हें आगे दिल्ली में जवाब देना है कि 25 सीटें आई है, उसमें कितनी आई है, कितनी ज्यादा से ज्यादा लाए। उनके पास सिर्फ जोधपुर नहीं है, वो जोधपुर में अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपने साथ खेलने वालों को, उनके बेटों को जिम्मेदारी दे गए कि ये मेरा बेटा है, देख लो, अपने आप काम कराओ, हर क्षेत्र में घूमो,
और वैभव को जिताओ। और वो निश्चिंत होकर के गए हैं और मेरे साथ आप सब नारा लगाओ, मुझे निश्चिंत कर दो कि वैभव जी की कड़ी को पापा जी की कड़ी से जोड़ना ही जोड़ना है, जोधपुर को और मजबूत बनाना है। वैभव गहलोत, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत, हाथ को प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मीनू जी यहाँ पे चाय दिलाएंगे क्योंकि सबके अलग टाइप है। चलो धन्यवाद। I'm gonna make you mine.